दोनों साथ में बड़े प्यारे लग रहे हो आप. राखी कैसी रही दोनों की? नहीं अलग अलग, आई मीन अभी दो दिन पहले राखी थी तो इसलिए पूछ रहा हूँ. ऐसा कुछ ही कैसे थी? अच्छी अच्छी. आपको किसी ने राखी बांधी? नहीं, मेरी मतलब मैं, मेरी सारी बहनें बाहर है ना भाई, तो कपिल की सारी बहनें यहीं आती हैं सेट पर हमारे शो में, है ना? बहुत सारी बहनें इसकी. मेरी तो होती भी नहीं, बन जाती पता नहीं. मेरे मुंह पे क्या भाई लगा हुआ? मेरा मुंह क्या बी से शुरू होता है? बॉयफ्रेंड पता नहीं मेरे साथ ऐसे बी से बॉयफ्रेंड होता है. सुशांत, कितनी सारी आपकी फैंस हैं जो गर्ल्स हैं, किसी ने तो आप में क्या आपके अंदर कोई भाई देखा होगा कि मेरे भाई जैसा है, मैं राखी बांधूं, कोई घर के बाहर आई हो, ऐसा कभी नहीं हुआ? मुझे पता नहीं, मुझे नहीं पता. बट ऐसी चीज़ें, लुक एट हिम, इसको देखो ना ऊपर से नीचे तक, ये कहीं से भी भाई नहीं लगता है. ही लुक्स लाइक अ, ऐसी चीज़ें याद रखता नहीं सुशांत एक्चुअली. श्रद्धा, आपके साथ भी कभी ऐसा नहीं हुआ किसी ने बोला मैम आप में मुझे अपनी बहन दिखती है? ये ऐसे किससे कांड मेरे साथ क्यों होते हैं? मुझे जो आके ना भाई बोल के चला जाता है. एनीवे, अजय श्रद्धा जो है अपनी फिल्मों के लिए बहुत मेहनत करती है. आपने देखा होगा ABCD 2 में इन्होंने कितना कमाल का डांस किया था. सो प्राउड ऑफ यू श्रद्धा. अरे थैंक यू सो मच. थैंक यू. अभी सुना है बागी 3 के लिए ये एयर होस्टेस की ट्रेनिंग भी ले रही है. हां, तो छिछोरेपन की ट्रेनिंग ली कहीं से? सर एक्चुअली आप हमारे गैंग से मिलोगे ना तो सब इन हाउस है. मतलब आप उनसे मिलिए और आप समझ जाओगे कि बहुत आसानी से वो छिछोरापंती जो है कर ली हम सबने. वेरी गुड. तो माहौल ऐसा था सेट पे? यस. अरे सुशांत ने ना अपने इंस्टाग्राम बायो में लिखा हुआ एलियन हंटर. कौन से एलियन है जिनका हंट करते हो आप? मुझे बचपन से बड़ा होके यही बनना था. अच्छा, वो बन गया. सीरियसली मैं, मुझे एलियंस बहुत पसंद है. तो एलियन बड़े पसंद है? हाँ, फिल्म्स कहाँ देखे आपने? कहाँ मिले आप उनसे? फिल्म्स में देखता रहता. अच्छा, ओके. तो अच्छा फिल्मों में देखे. तुम बड़ा होकर मुझे वही करना. श्रद्धा, आपके बारे में सुना है जब आप किसी हाथ मिलाती है तो बाद में सैनिटाइजर से आप अपने हाथ साफ करती हैं, सही है? नहीं है. झूठ बोल रही है. झूठ बोल रही है. झूठ बोल रही है. नहीं है. अच्छा, शी इज लाफिंग सो मच. हां एक्चुअली अभी उसने दो तीन लोगों से हाथ मिलाया, मेरे से आपसे हाथ नहीं मिलाया. नहीं, वो तो गले मिला ना. हाथ अगर मिलाती तो शायद. तो ये मान ले कि यू आर नॉट हाइजीनिक. ओके. किशान, माधुरी दीक्षित ने आपसे कहा कि वो आपसे डांस सीखना चाहते हैं. एक शो था वहाँ पे. अच्छा, तो मैम कहती थी कि मैं अच्छा डांस कर लेता हूँ. वेरी गुड यार, माधुरी दीक्षित की तरफ से ये कॉम्प्लीमेंट आना, वेरी गुड. श्रद्धा, आप क्या बनना चाहेंगी अगले जन्म में? सोचना पड़ेगा. श्रद्धा कपूरी बनो, इतनी अच्छी लाइफ है, स्टार हो, और क्या चाहिए? है ना? क्या बनना चाहूंगी? ओके, अच्छी लड़की बनना चाहूंगी. सेम, ओह सो स्वीट, अच्छी लड़की बना, वो तो हो ही ऑलरेडी तुम. हाँ हाँ, अच्छा मार्केट है. अच्छा मार्केट है. दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि दंगल आने से पहले और छिछोरे आने से पहले मेरा डेब्यू उनके साथ हो चुका है. या इंग्लिश में क्या बोलूं, मैं इंग्लिश हिंदी में बोलता हूँ. हम लोगों ने एक एड फिल्म शूट किया. अच्छा, एड फिल्म. या इन्होंने तभी मुझे पहचान लिया, कह रहे तेरे अंदर बड़ा टैलेंट है, तेरे साथ काम नहीं करूंगा. नितेश सर, आपको देख के लगता नहीं कि आप शरारती रहे होंगे कॉलेज में, पर आप थे थोड़े शरारती टाइप कॉलेज टाइम में? मैं भीड़ का हिस्सा था. अच्छा. मतलब वो होता है ना कि अगर स्टेशन पे जेब कतरा पकड़ा जाता है तो 5-6 लोग पीछे से हाथ साफ कर लेते हैं. तो मैं उन लोगों में से था. शुरुआत मैं नहीं करता था. अच्छा, बट मैं साथ मिल लेते थे बाद में भीड़ में. सर, दंगल की अगर बात करें तो इतनी ग्रैंड हिट, उसके बाद दूसरी फिल्म को बनाने का, उसको हिट देने का कितना कितना स्ट्रेस है आपके ऊपर? देखिए, बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस का स्ट्रेस तो हमने दंगल के टाइम पे भी नहीं लिया था. जी, हमें नहीं मालूम था फिल्म इतनी बड़ी हिट हो जाएगी. जी, हमारा इंटेंशन सिर्फ ये था कि एक अच्छी कहानी है, उसको जितनी सिंसियरिटी और ऑनेस्टी के साथ बना दें. जी, वही हमारा पर्पस था. छिछोरे में भी हमारा पर्पस वही है, मकसद वही है कि अच्छी कहानी है, उसको बहुत ही ऑनेस्टी और सिंसियरिटी के साथ बनाया है. उम्मीद है उतना ही प्यार लोगों का मिलेगा. बिल्कुल मिलेगा सर, 100%. नितेश सर, आपके भाजी मैं अलग से सिंहासन दूं? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, आप दो में हम दोनों इस पे फिट कैसे होंगे? मैं तो हो जाऊंगा. कॉन्फिडेंस फ्यूचर रोज ही आ जाता है. हाँ, मेरा आ गया.
ठीक है मैं इससे प्यार करता हूं, पर ये क्या मतलब हुआ? कोई ऐसी फिल्म है जिसमें तो नहीं है? नितिन सर अपने सभी छिछोरा इंट्रोडक्शन करा दीजिए प्लीज जी। वरुण का कैरेक्टर का नाम है सेक्सा। किस हिसाब से? एक्सक्यूज मी, मैं कितना सेक्सी हूं? क्योंकि पूरे टाइम उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमती है। तो मतलब ये इनका रियल करेक्टर आपने यूज किया? ओके, तो इनका नाम सेक्सा है। इनका नाम सेक्सा है। नवीन का नाम है एसिड। एसिड? एसिड, इसके गैस गैस नहीं है, अंदर काफी एसिड भरा हुआ है। अच्छा जी, तो ये गालियां दिए बिना बात नहीं करते। अच्छा जी। सुशांत अन्नी है, श्रद्धा माया है, सहर्ष बेवड़ा है। फिल्म में सुशांत मम्मी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। हाँ जी, मैं इन सब की मम्मी नहीं। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं ना जो नए नए आते हैं हॉस्टल में, बहुत अपने घर को मिस करते हैं, अपनी मॉम को बहुत मिस करता है, तो हर बात में मम्मी करता रहता है। मम्मी है। So, that's how all the character. एक एक्टर जरूर होता है जो डायरेक्टर के साथ ही रहता है। ये है ना, देखो वो बड़े सेंसिबल डायरेक्टर है, जिनका जितना चाहिए उतने रखेंगे। अब तो शूट हो गया, बढ़ तो सकता नहीं, तो अभी कोई फायदा नहीं, जिधर मर्जी बैठो आप। अरे तुषार ने इससे पहले फिल्म की है हम चार, इसके बाद छिछोरन में भी ये सात आठ लोगों के साथ आ रहे हैं, आप झुंड में ही क्यों आते हैं? आपको डर है कि अकेले अकेले एक्टिंग करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा? जैसे हमारा दिनेश है ना, ये ग्रुप में बजाते तो बड़ा अच्छा बजाते हैं, अकेले अकेले सब पकड़ जाते हैं। तो डू यू हैव एनी? नहीं सर, अभी उम्मीद तो है आ जाए कुछ, शुरुआत तो ऐसी होती है। नहीं बिल्कुल शुरुआत हुई, बड़ी अच्छी शुरुआत हुई आपकी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अच्छा कुछ सवाल है सर, आप सब जवाब दे सकते हैं किसी का भी, बिकॉज आप सबने साथ में इतने दिन शूट किया है तो काफ़ी कुछ एक दूसरे के बारे में जान चुके होंगे। तो ये सवाल ये है, सबसे ज़्यादा कंजूस किसको पाया आपने? हमारा प्रोडक्शन मैनेजर। सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा एक्टिव कौन रहता है, सबसे ज्यादा जो फोटो डालता है? नहीं नहीं, मेरा ना पाजी, मेरा ना एक्सप्लेनेशन ये है, ऐसी ना मेरे को शौक है पाजी कि हर रोज का डालने का। जिस दिन शूट ना कर रहे हो उस दिन क्या डालते हो? उस दिन नहीं डालता यार। डायरेक्टर की सबसे ज्यादा बटरिंग कौन करता है? स्टार्टिंग में कौन बैठा था डायरेक्टर की? मैं जनरली पूछ रहा हूं। कितना आप देखिए, मथुरा के पेड़े जैसा लड़का है। मुझे भी नहीं आई और कमाल शुरू कर दिया, कैसा लग रहा है? हमें सोनी टीवी तक आते आते 30 साल लग गए, अभी आप 15 के भी नहीं होंगे मुश्किल से। नहीं कॉलेज में है ये। कौन से कॉलेज में? बच्चों के कॉलेज में। क्या क्या पढ़ करते हो आप? फर्स्ट ईयर डिग्री। फर्स्ट ईयर, तो बच्चा ही है अभी। इसको तो मैं बहुत देर से जानता हूँ, तब ये बहुत छोटी थी, अब और छोटी होगी। क्या करूँ, अच्छी बात है। सलोनी की दोस्त है, हमारे कॉमेडी सर्कस में छोटी सी सलोनी थी, उसकी बहुत अच्छी दोस्त गंगूबाई। गंगूबाई की दोस्तों, हाँ तो हम लोगों ने भी साथ में काम किया है, फिल्म में काम किया है, फिल्म का नाम नहीं लेता। तो कैसा लग रहा है रोशनी? बहुत अच्छा। मेन लीड में सीरियल कर रही हो सोनी टीवी पे, बहुत अच्छा। सोनी के साथ मेरा दूसरा शो है ये। अच्छा सुदीप सर, जब आप और अन्ना साथ में आए थे सीसीएल के लिए, तो पहलवान की बातचीत पहले से चल रही थी कि उसके बाद में आपकी सलाह हुई है? पहले से। अच्छा पहले से चल रहा था, पर एक बात बड़ी अच्छी होगी अर्चना जी, आपने गौर किया होगा अभी जितनी भी फिल्में आ रही है अन्ना एक लैंग्वेज में नहीं बल्कि तीन चार लैंग्वेज में आती है, पांच लैंग्वेज में आती है। तो ये बड़ी एक अच्छी चीज हो गई है, क्योंकि फिल्म तो बन ही जाती है, इतनी मेहनत करते हैं तो क्यों ना बाकी भाषाओं में भी उसको डब करके बाकी लोगों के लिए भी जो है उसको मुहैया कराया जाए। कभी भी आप कुछ सवाल पूछते हैं ना तो किचा का रिएक्शन क्या? अच्छा हाँ, बिकॉज ही इज ऑल्सो अ क्रिकेटर, वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिकेटर, तो वो गूगली आपकी तरफ से गुगली एक्सपेक्ट करता है स्पिनर। नहीं सर, ये कुछ और डालते ही नहीं है सर। ये गुगली मास्टर है। गुगली मास्टर। ना आपने जैसे कहा कि हमेशा हर गुरु चाहता है कि मेरा जो शागिर्द है वो ब्रह्मचारी रहे, वो क्यों ऐसे चाहते हैं गुरु लोग? क्योंकि ताकत बनी रहे, खास करके कुश्ती के लिए जब बोलते हैं तो ताकत बनी रहे, डिस्ट्रैक्शन ना हो। यस, डिस्ट्रैक्शन ना हो और यू डोंट लूज योर एनर्जी, तो okay. इस चक्कर में। लेकिन सुदीप ऐसा शिष्य नहीं था फिल्म में, या था वो पता नहीं, अभी फिल्म देख के ही पता चलेगा। लेकिन
तो ये सस्पेंस है, ये आप फिल्म में जाके देखें। मैम और भी खूबियां हैं मैम, वो हमें नहीं पता, हमें तो नहीं पता। एनर्जी है, दैट शी विल नो, हाइट है, हाइट है, हाँ वो भी है, कुकिंग आता है, कुकिंग आता है, ओह अच्छा, कपड़े भी धो लेते हैं कभी कभी। दो व्हाट डू यू से, कपड़े भी धो लेते हैं, कभी कभी कपड़े बन जाते हैं मैम, वो धोती हैं आप, हाँ धुल भी जाते हैं, हाँ वही जी। थैंक यू, इट्स वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी, थैंक यू, लवली। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।